हाँ फ्रेंड, ताहिर बर्ड्स लवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है अपने बर्ड्स को ठंड से कैसे बचाएं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो फ्रेंड, अभी ठंड का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और अपने बर्ड्स को ठंड से बचाने का सबसे आसान और सही तरीका ये है कि आप अपने कॉलोनी के अंदर कच्चे बल्ब लगाएं। अगर कॉलोनी घर के अंदर है, धूप नहीं आता हो, तो वो बल्ब धूप का काम करेगा और बर्ड्स को हेल्दी रखेगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत फ़ायदेमंद बल्ब है वो, ठंड के टाइम में बहुत ही काम अच्छा करता है, तो वो लगाना है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो दो या चार लगा दें, छोटा है तो एक बल्ब काफ़ी है। और अगर कॉलोनी के अंदर डायरेक्ट हवा जा रही है तो फ्रेंड, हवा को कवर करना है, उसको रोकना है, डायरेक्ट बर्ड्स को हवा नहीं लगने देना है, क्योंकि बर्ड्स को अगर डायरेक्ट हवा लगा तो बर्ड्स बीमार पड़ सकते हैं। आपका बर्ड्स को फीवर हो सकता है, जुकाम हो सकता है, उसको लूज मोशन हो सकता है, बहुत सी बीमारी हो सकता है। और अभी ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है तो फ्रेंड, खूब ख्याल रखना है अपने बर्ड्स को। ठीक है फ्रेंड, और नाइट के टाइम में कॉलोनी के अंदर पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर पानी आप डेली नाइट में छोड़ रहे हैं तो उसको पी के भी आपका बर्ड्स बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, वो इसलिए बीमार पड़ सकते हैं कि वो पानी पूरी रात कॉलोनी के अंदर रहेगा और वो कोल्ड हो जाएगा। सुबह बर्ड्स पीते ही एक साइड में फूल के बैठ जाएंगे, तो आप देखोगे, बोलोगे, यार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरा बर्ड्स बीमार हो रहा है, क्या कारण है? तो यही सब कारण है। ठीक है फ्रेंड, और जब भी आप अपने बर्ड्स को पानी दें सुबह ठंड के टाइम में, हल्का गर्म पानी बर्ड्स को दें, इतना गर्म करें कि बर्ड्स पी सके, उसको नुकसान ना हो। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपका बर्ड्स वो पानी आराम से पी ले, उसका मुँह ना जले, इतना गर्म करके देना है। और जब आप पानी गर्म कर रहे हैं तो उस टाइम में एक अदरक का पोट उसमें डाल दें, छोटा अदरक का टुकड़ा डाल के पानी को हल्का गर्म कर ले, खौला लें, उसके बाद ठंडा करके थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। वो पीने से आपका बर्ड्स एकदम हेल्दी और फिटफाट रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ब्रीड करने में भी उनको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड, ये चीज़ का ख्याल रखें, और जो है हरी पत्ती वत्ते कुछ भी नहीं देना है अपने बर्ड्स को, सॉफ्ट फूड्स तो बिल्कुल ही नहीं देना है, कम कर देना है, हफ्ते में एक बार दो बार सॉफ्ट फूड्स दें आप अपने बर्ड्स को। ठंड के लिए, ठंड में बर्ड्स को सॉफ्ट फूड्स बहुत नुकसान कर जाता है, क्योंकि चीक्स निकला रहता है, बहुत सारी चीज़ रहते हैं जो वो खाने से बर्ड्स बीमार भी पड़ सकता है आपका बर्ड्स। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्दी फिटफाट होंगे और अच्छे से अच्छे ब्रीड कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।